किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल सीधे मांग करो कि इन परीक्षाओं में भी पूरी जांच करो और अंतिम तक व्यक्ति तक करो। हाँ, हमने मेरे समय में सबसे ज्यादा डीपीसी हुई है, सबसे ज्यादा कैडर रिव्यू हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो है एएसपी हुई है। तो इसलिए कितने हुई कितने विभागों में, यदि किसी विभाग में है गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और बल्कि जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि उस समय डीजीपी कौन था, उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कौन था जो इम्तिहान कराने के लिए जिम्मेदार था, और उस समय क्योंकि मैंने जो एडीजी विजिलेंस थे और आईजी विजिलेंस थे उनसे कह रखा था कि सारी परीक्षाओं को देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए कौन है करके। और बल्कि पंतनगर विश्वविद्यालय के अंदर भी, पंतनगर विश्वविद्यालय को भी जांच के दायरे में लेना चाहिए, क्योंकि ये संस्थाएं सब जो है कहाँ से करप्ट हुई है समझ में नहीं आ रहा, पूरी संस्थाएं नष्ट हो गई। तो इसलिए उसमें किसी को कोई आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं, ये जो जो कहें जिस घोटाले की बात कहें इनसे को बिल्कुल जांच करो। हाँ, उसी तरीके से जैसे मैंने तब कहा था जब सब लोग कह रहे थे एनएच घोटाले में जब हुआ था ऊधम सिंह नगर वाला, सब लोग कह रहे थे कि लोगों को लगता था सीबीआई, मैंने कहा बिल्कुल जांच करो, क्योंकि हमारे खाते में मैंने कहा एक नया ऐसा पैसा है ही नहीं जो वहां से आया है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारा बिल्कुल, हमने पॉलिसीज बनाई हैं, सबसे ज़्यादा ACTs की हैं, सबसे ज़्यादा जो है DPCs की हैं, सबसे ज़्यादा कैडर रिव्यूज की है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए वो नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसका अर्थ यदि गड़बड़ है तो जांच हो। जी सर, तो उसमें किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं।